वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पातोड़ी। इसको आलू वड़ी भी बोला जाता है, आलू के पत्ते या पातोड़ी के पत्ते भी बोले जाते हैं। मार्केट में आसानी से ये मिल जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसके पीछे जो डंठल रहती है उसको इस तरीके से काट के निकाल देना है, और एक पत्थर की मदद से इसकी जो ये कड़क रहती है ना, हमें फोल्ड करना है। इसीलिए इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से करेंगे, वरना पत्ता हमारा फट जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से कर देंगे ताकि ये फोल्डेबल हो जाए। ये देखिए, हमने कई करके रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसे हम सारे पत्तों को कर लेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। मैं बताती हूँ आपको किस क्या क्या लगेगा मसाला तैयार करने में। मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिए पत्तों को। इसी तरीके अच्छे से वॉश करेंगे हम इसको और रख देंगे। मैंने लिए है ये गीला खोपरा है आधा वाटी, और ये सूखा खोपरा है आधा वाटी, मीडियम साइज की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज की है। ये देखिए, 100 ग्राम जितना हमने इमली लिया है, इसको हमने भिगो कर रखे हैं। रेड चिल्ली पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर, ये लिए हमने। और थोड़ी सी मुट्ठी भर कोथमीर है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक मीडियम साइज़ का अदरक है, 10-12 कली लहसुन है, और मिर्ची हमने तेज़ के हिसाब से 4 लिए हैं, आपके तेज़ के हिसाब से ले सकते हो। नमक है, ऑयल है, और चावल का थोड़ा सा आटा है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आइए कैसे बनाते हैं मैं आपको बताते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए भूल गई थी, चना बेसन है ये, आप कोई भी, मैं सम्राट का यूज़ करी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको, इसका भी पेस्ट बना लूँगी और इसको भी पेस्ट बना लूँगी। किस तरीके से बनाती हूँ मैं बताती हूँ आपको। ये खोपरा और कोथमीर मिर्ची सबको साथ में पीसेंगे हम, एक साथ करके, ठीक है, और इमली को अलग से पीसेंगे। देखिए, मैंने पेस्ट बना दिया है इसका। इसमें अब मैं डालूंगी हल्दी, मिर्ची पाउडर, सब एक एक चम्मच डाल रही हूँ मैं। जीरा पाउडर एक चम्मच भर के, धनिया पाउडर एक चम्मच, और ये है इमली का पेस्ट, ठीक है। देखो, ये इसमें मैंने मसाले डाल दिए हूँ, अभी और भी मसाले इसमें जाएंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, 1.5 चम्मच डाले हमने, आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। इमली का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं हम थ्री टेबल स्पून जितना हमने इसमें चने का आटा डाले हैं। हाफ टेबल स्पून जितना मैंने इसमें चावल का आटा डाली हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसमें हम इसमें ऑयल डालेंगे खाने का, वन टीस्पून जितना हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाले हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, जो हमने कोथमीर मिर्ची और खोपरा पीसे थे उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाले थे, तो हमें आटे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें आटा ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखिए पानी का, ज़्यादा पानी में ना पीसे। सूखा सूखा रखेंगे तो आटा कम लगेगा और अच्छे से मिक्सचर हमारा बन जाएगा। ये देखिए, हमने कैसे इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं।
ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ही हम इसे पत्ते पर लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे हमारी मम्मी बताएंगे आपको। ये देखिए एक पत्ता हमने लेकर इस पर बिछा दिए हैं और थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और हाथ से लगा देंगे। सारे पत्तों पे अच्छे से लग जाना चाहिए। ध्यान से पत्ते फट जाते हैं, नाजुक होते हैं, बहुत पतले होते हैं ये पत्ते, इसलिए ध्यान से करना है हमें। ये देखिए सेकंड लेयर लगा रहे मम्मी अभी, सेकंड पत्ता एक लिए है। पहले बड़े पत्तों से स्टार्ट करना है, अगर छोटे बड़े पत्ते हैं आपके पास तो पहले बड़े पत्तों से स्टार्ट करिए, बड़े से छोटा इस्तेमाल करना है, छोटे से बड़ा नहीं, ठीक है। ये देखिए सेकंड लेयर भी हो गई है हमारी, अब मम्मी ले रहे थर्ड पत्ता। ये देखिए आप देख सकते हैं मम्मी ने कैसे बड़ा छोटा छोटा ऐसा पत्ता ले रहे और किस तरीके से उल्टा बिछारे, सीधा नहीं है ये, ठीक है। ये वाला पत्ते का सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है, तो मम्मी ये उल्टा बिछा रहे। चार, ये चौथी लेयर है। एक लेयर में कितने लेते हैं पत्ते? सात पत्तों की लेयर बनती है एक रोल के लिए, ठीक है। सात भी नौ भी लेते हैं, कोई नौ भी ले सकते हैं, बट हम छोटे से ही स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम है हमारा बनाना, तो आप कम पत्तों से यूज करिए। ये छठी लेयर है, सिक्स, पांच, सॉरी ये छठी नहीं पांचवी लेयर थी। इसके बाद हम लेंगे एक और पत्ता। ये देखिए सिक्स लेयर है, इसे भी इस तरीके से लगा देंगे सारे पत्तों पे हम अच्छे से मसाला। एकदम ज़्यादा भी मसाला नहीं लगाना है ओवर, और एकदम कम भी नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो नरम हो जाएगी वो, है ना। देखिए ये है हमारी सातवीं और लास्ट लेयर, देखिए इस तरीके से मम्मी लगा रहे हैं। अब मेन इसका पार्ट जो आपको देखना है, फोल्ड कैसे करते हैं वो, ठीक है, ध्यान से देखिए किस तरीके से फोल्ड करते हैं इसे। मेन पार्ट है ये फोल्डिंग का, ठीक है। देखिए एक तरफ से इस तरीके से कर लिए मम्मी ने, दूसरे तरफ से भी फोल्ड कर दिए हैं ऐसा। अब करना है इसे, इस पर भी थोड़ा सा लगाएंगे हम मसाला। ये देखिए किस तरीके से फोल्ड हो रहा है, देखिए माशाल्लाह फुल टाइट है, साइड से भी मसाला नहीं निकलेगा इसका, साइड से भी पैकिंग हो गई है इसकी, देखिए कितना फिटिंग में हो रहा है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए माशाल्लाह, ज़रूर बोलिए कितना परफेक्ट और खूबसूरत दिख रहा है ये। इसी तरीके से हम दूसरे पत्ते की भी लेयर बना लेंगे। देखिए बड़े से छोटा ले रहे हैं मम्मी, इसमें भी सारा मसाला लगाएंगे। ये देखिए सेकंड पत्ते की लेयर बन रही है अभी, थर्ड पत्ता है ये। ये देखिए दूसरा और पत्ता लगा दिया इसमें। इसी तरीके से हम सारे पत्ते को लगाकर फोल्ड कर देंगे। मैं एक बार और फोल्ड की वीडियो आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं फोल्ड के करके आपको फिर से बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए। देखिए देखिए हमारा मसाला भी एकदम परफेक्ट बन गया था, पूरा हो गया इन पत्तों के लिए। देख रहे किस तरीके से फोल्ड किए कर रहे हैं, इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम ज्यादा पत्ते, ठीक है। ये हो गई हमारी फोल्ड, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब ये पकी नहीं है, अब ये कच्ची है, अब इसे हम भाप पर पकाएंगे। किस तरीके से पकाएंगे मैं आपको बताती हूँ।
जो हमने साँचा लिए थे ना सांदन के लिए, वही साँचा है हमारा। आप चाहिए तो कोई भी बड़ा सा टोप ले सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर एक जाली रखना होगा आपको। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, जितना सांदन के लिए लगता है उतना पानी नहीं है, ये कम है। फिर इसमें ये नेट जैसा लगता है, तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो ये ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो टोप भी ले सकते हो, और उसमें आप इसे नेट रख के ढककर हम रखेंगे ताकि ये थोड़ा बॉईल आ जाए पानी को। ये देखिए, इसमें से भाप आना शुरू हो गई है, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इस पर अपनी पातोड़ी या आलू बड़ी जो आप बोलते हो वो मैं रख के पका दिया। देखिए, इस पर पहले हम ऑयल लगा लेंगे कपड़े की मदद से नेट पर, ताकि हमारे पातोड़ी चिपके ना उस पर। और हल्का हल्का ऑयल लगाया हमने, और उस पर हम उस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के रख देंगे पातोड़ी। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। देखिए एक तरफ अलग अलग रखे हमने ताकि वो जॉइन ना हो जाए, चिपक ना जाए। अब इसे हम ढक देंगे। देखिए आधा घंटे के लिए मैंने इसे पैक कर लिया है, आधे घंटे के बाद ही ओपन करेंगे इसे, ठीक है। ये हमारा आधे से पौने घंटा हमने इसमें रख दिए थे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से पक चुका है माशाल्लाह। इसे क्या करना है पता है, रोल को हमें निकालने हैं और ना छुरी से इसके स्लाइस करेंगे पतले पतले से, और फ्राई पैन में फ्राई करेंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसे स्विस रोल केक आता है ना वो शेप में कट कर दिए है, अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गैस ऑन करके ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है, अब मैं एक एक रोल इस पर रख दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्राई करने के लिए रख दी, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक के एक तरफ करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। ये देखिए मैंने इसको पलट दिए हैं, खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी पातोड़ी रेडी है, इसे चावल की रोटी के साथ खा सकते हैं आप। Ah.